1972 में एक फिल्म आई थी कामना जी, उसमें आपने गीत गाया था जी। फिल्म तो नहीं चली जी, लेकिन वो गीत अगर आज आप सुना सकें, और जी मैं गुजारिश करूंगी कि वो गीत उसी फॉर्म में सुनाइए जिस तरह से उस फिल्म में आपने गाया था जी। उस गीत के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। मैं सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार हूँ उषा खन्ना जी, आप में से सब जानते हैं कि उषा खन्ना जी एक ही भारत में एक ही, शी वॉज दी ओनली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में, कि जिन्होंने अपना सिक्का जमाया था, जिन्होंने अपना नाम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़ा मजबूत बनाया था, वो उषा खन्ना जी ने मुझे ब्रेक दिया था। और मुझे याद है कि मेरी उम्र उस वक्त कुल मिला के 21 साल की थी और मैं कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन एक बात से यहाँ पर मैं लोगों से राय जानना चाहूँगी, पंकज उदास जी को आप 30 सीरीज के ज़माने से अब तक जब तक देखते आए हैं वैसे ही दिखते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने इनको जितने भी सालों में जब से देखा है बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखते हैं। थैंक यू। तो वो गाना मैंने गाया और उस ज़माने के और हमारे उर्दू अदब के भी बहुत बड़े शायर थे जनाब नक्श लालपुरी साहब, उन्होंने ये गाना लिखा था। मैं पता नहीं, मैंने ये गाना बहुत एक लंबे अरसे से नहीं जितनी भी पंक्तियां आपको याद, लेकिन उसका मुखड़ा शायद मैं कोशिश करता हूँ। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है, किस तरह रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे।